दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेरठ से एक मामला फिर से सामने आया है, जहां पर कांवड़ियों का ये आरोप है कि कार ने उनके कांवड़ को खंडित कर दिया। इसके बाद होता यह है कि भयंकर बवाल देखने को मिलता है, जमकर उत्पात मचाया जाता है। जिस कार से टक्कर लगा, उस कार को तोड़ फोड़ दिया गया है। इस तस्वीर में आप देखेंगे, कार से कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागे, जिसमें से एक शख्स फंस जाता है जो कि बुजुर्ग है, और ये एक समुदाय मुस्लिम समुदाय से है, जहां बताया जा रहा है कि उस बुजुर्ग मुसलमान को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर वहां से भागे, जिसके बाद होता यह है कि जो कार था उसको भी तोड़ दिया गया है। आपको मैं वीडियो का कुछ हिस्सा दिखाना चाहता हूं, आप पहले देखिए, उसके बाद इस मामले को लेकर लोग सोशल मीडिया के ऊपर क्या दावा कर रहे हैं वो आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो देख लिया आपने, ये वीडियो बहुत वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया गया। मामला उत्तर प्रदेश मेरठ का है, इसको लेकर लल्लन पोस्ट ने क्या कुछ लिखा है वो आपके स्क्रीन पर। कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाकर कांवड़ियों ने कार सवार मुस्लिम बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, बुजुर्ग के कपड़े फाड़े, कार भी तोड़ी, तीन युवक ने भाग कर अपनी जान बचाई। ये लल्लन पोस्ट ने इस खबर को लिखा। उसके बाद आप देखिए लाइव हिंदुस्तान, वो क्या लिखता है वो आपके स्क्रीन पर। यूपी के मेरठ में कार की टक्कर लगने से कांवड़ खंडित हो गया, इसके बाद कांवड़ियों ने बवाल कर दिया। कांवड़ियों ने विशेष समुदाय के लोगों को पीटा, कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, ये लाइव हिंदुस्तान की खबर मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद आप देखिए बहुत सारे ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। स्वाति चतुर्वेदी, उसके बाद INDY स्टोरी, सचिन गुप्ता, जो इस मामले को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा था मुजफ्फरनगर में ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर यही आरोप लगाया गया था कि कांवड़ को खंडित किया गया, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो क्या पता चला था, ये जरा देखिए। कांवड़ियों से वार्ता किया गया, वार्ता क्रम में कहीं भी कांवड़ खंडित होने की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो पता ये चला कि ऐसा कोई मामला नहीं था कि कांवड़ खंडित हुआ था। ये खबर मैंने आपको इससे पहले भी दिखाई थी, उसके बाद भी आपने कई जगह पे आपने देखा कि कैसे बवाल का वीडियो सामने आ रहा है। अभी आपने कल देखा कि पेट्रोल पंप पे आम खाकर गुठली फेंकने को लेकर बवाल हुआ, पेट्रोल पंप के ऑफिस को तोड़ दिया गया, कर्मचारी को मारा पीटा गया, उसके बाद अब ये मामला सामने आया है। दरअसल कांवड़ यात्रा रोड से ही गुजरता है, गाड़ी भी रोड पे ही चलती है, तो ये छूट पूट घटना होगी, ये आपको मानकर चलना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को हाथ में लिया जाए। ये लोग आप देखिए कि कानून को हाथ में ले रहे हैं, जिसके बाद गाड़ी को तोड़ दिया जा रहा है, गाड़ी को तोड़ दिया जा रहा है, उसमें बैठे ड्राइवर को मारा पीटा जा रहा है, और ऐसी घटना आपको एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी घटना आप देख चुके हैं। तो ये खबर थी जिसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर लगातार आपको अपडेट देखने को मिल रहा है, लगातार इसको लेकर लोग अपडेट कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जो कुछ भी आपको देखने को मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।